कथा सुनाई, अभी तो सेवा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना दूर हो सके कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं तो हम तो ऋणी बन जाएंगे ना गुरु वैष्णव का, अगर इनकी कहीं तो ऋणी बन जाएंगे। किसी तरह से किसी ना किस तरह से सेवा करनी चाहिए, इनका पूरा सेवामय जीवन था इनकी। तब उन्होंने सेवामय जीवन में इनको कहा जाता है गौड़ीय मठ का डिस्क नायक बोला था, इतने श्लोक जानते थे और इन्होंने प्रभुपाद की उन्होंने सेवा की, मटर सड़ी छुड़ा करके प्रभुपाद खिलाया करते थे। ये क्लास में वहां पर एक भक्ति मन नगर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट थी, उसमें ये पढ़ा करते थे, उसमें ये पढ़ते थे। क्या हुआ जब क्लास 10 में आए वहां पर पूरा बोर्ड का परीक्षा हुआ, लेकिन ये कहते थे जिस समय मैं केवल स्कूल में जाता था पढ़ाई करने के लिए उसी समय, क्योंकि ना 10 साल उम्र में आए, केवल उसी समय पढ़ाई का ग्रंथ देखता था, घर में आकर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता था। लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा हुई एकदम वहां के जितने इलाका में फर्स्ट आए, उन्होंने प्रभुपाद उनको बुलाया, बोला सज्जन सेवक तुमने जो बोर्ड का परीक्षा था तुम फेल हो गया, देखो उनका कितना विश्वास, बोले फेल हो गया, बोले हाँ, बोले जो गुरु वैष्णव का सेवा करता है ना, क्योंकि हर समय में गुरु वैष्णव का सेवा करता हूँ, जो सेवा करता है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद बोले बोर्ड परीक्षा में तुमने फर्स्ट आया है, तुमने फर्स्ट आया बोर्ड परीक्षा में। इन्होंने इतने गांव गांव में जाकर, अभी तो प्रचार आसान ही है, उन्होंने गांव गांव में जाकर के उन्होंने प्रचार की, प्रेस में ग्रंथ छपाया करते थे। एक बार इनके अंकुर किसी तरह से दब गई, जब दब गई वो इतने सेवा करते थे, इनको जो गुरुदेव थे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, इनको गोद में भर करके बहुत रोए, इतने रोए, वो कहा करते थे इनके लिए हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में जितने सेवक है एक तराजू लेकर के उनकी सेवा को एक तरफ में रख दिया जाए, अगर बावन गोस्वामी महाराज का सेवा को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो सबका इनका जो पल्ला है सबसे भारी होगा। मतलब उनको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके लिए इतने बड़ी बात इनके लिए कहा करते थे, इतने बड़ी। एक समय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सबको उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति का क्या डेफिनेशन है। सब लोगों ने भक्ति का बड़े बड़े डेफिनेशन बताए, साफ परात भक्ति स्वर अन्याय विलासिता सुन लो बहुत बहुत कुछ बताए, लेकिन जब इनको पूछा गई बोले तुम बताओ देखो इनका क्या वाणी है। कहे गुरुदेव हम तो भक्ति भक्ति कुछ जानते नहीं, हम महाप्रभु को देखा नहीं, हम नित्यानंद प्रभु को देखे नहीं, हम सर्ग स्वामी को देखे नहीं, हमने नरोत्तम श्यामानंद सर प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर को देखे नहीं, हम देखे तो अपना गुरु जी को देखे। अगर हमारी सेवा चेष्टा से श्री गुरुपाद पद्म अगर प्रसन्न हो जाए फिर तो मैं समझूंगा क्या हमारी संपूर्ण पूरा की पूरा भक्ति हो गई। अगर गुरुपाद पद्म अगर हमसे संतुष्ट नहीं हमारा भक्ति जीरो है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इतने प्रेम में गदगद हो गए। अभी संजय प्रभु बोल रहे थे ना जिस समय संन्यास देना चाह रहे थे, हाँ संन्यास देना चाह रहे थे उसमें के संन्यास ग्रहण की, इसलिए इनकी जो आदर्श है इनकी बहुत बहुत सारी इनकी अद्भुत दिव्य दिव्य और एक कथा सुना देता हूँ। एक समय सिलीगुड़ी में महाराज थे, इनका कैसे अंदर जाकर देखो सिलीगुड़ी आप जानते होंगे बंगाल में ज्यादा मछली मांस खाते हैं, मांस मछली ज्यादा खाते हैं, लेकिन एक का पत्नी घर में आकर गुरु जी के पास में कथा सुनते थे। अभी कथा सुनते सुनते उसको रुचि हो गई ना, जीवन भगवान दुर्लभ जीवन दिया, 84 लाख जन्मों के बाद एक बार जीवन दिया है, ये जीवन पाकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उसने बावन गोस्वामी महाराज का चरणाश्रय ग्रहण कर लिया। जब चरणाश्रय वहां सब मांस मछली खाने वाले, अभी पति खाता है मांस मछली वो किसी तरह से अभाव करती है। एक दिन गुरु जी आए थे ज्यादा समय तो सत्संग हरिकथा सुन, जब उसकी पत्नी गई उसको पत्नी ने मार थप्पड़, बोले जब देखो साधुओं के पास में कौन से बाबा के चक्कर में तुम पड़ गई हो, हैं जब देखो मठ में गुरु जी के पास में कथा सुन रहे हो। तब उन्होंने जब थप्पड़ मारी इतनी दुखी हो गई, बोले कितने मैं सहन करूं, आज मैं सुसाइड कर दूं आत्महत्या कर दूंगी, बोले एक बार गुरु जी को जाकर दर्शन कराता हूँ आज ही आत्महत्या कर दूंगी। जब गुरु जी के पास में गए उस समय गुरु जी विश्राम कर रहे थे, सेवक ने बोले गुरु जी विश्राम कर रहे, बोले केवल किसी तरह से एक बार मेरे को दर्शन दे दो, क्यों वो जानती आज मैं सुसाइड कर आत्महत्या करूंगी, बोले गुरु जी को उठने दो। वो वहां पर बैठ गई, जब गुरु जी उठे जब उनने गुरु जी को पास में भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज के पास में गए, बोले पागली कोई आत्महत्या करते हैं, जानते हो भगवान कितने कष्ट से ये मानव